4 दिन के पॉजिटिव ट्रेंड के बाद आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स की क्लोजिंग 62,625 के पास लगभग 223 पॉइंट्स नीचे, और साथ ही निफ्टी में भी लगभग 71 पॉइंट की गिरावट 18,563 के पास क्लोज होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में भी बहुत मामूली सी एक गिरावट का ट्रेंड रहा, 43,990 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। ओवरऑल आज के दिन मार्केट में काफी हद तक ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स में आज ऊपरी लेवल से एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। टॉप लूजर की बात करें तो आइशर मोटर, एचडीएफसी लाइफ, डिवीज लैब, टाटा स्टील और साथ ही एसबीआई ऐसे काउंटर रहे जिनमें की 2% से लेकर के 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर बनी रही। स्टॉक्स की अगर बात करें तो लगभग 26 स्टॉक ऐसे रहे जो कि गिरावट के साथ बंद हुए, 5 स्टॉक साइडवेज से बंद हुए, और लगभग 19 स्टॉक के साथ आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। इस समय अगर टॉप स्टॉक की बात करें तो एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एलएनटी, ये ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें की पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, और ये स्टॉक्स 2% ऊपर यहाँ पर बंद होते हुए नजर आए। फिलहाल एक बार फ्यूचर डेटा को भी देखते हैं तो निफ्टी के नए सपोर्ट यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं वो है 16,600 से 18,500 के लेवल्स। अब रेजिस्टेंस की भी बात अगर कर लें तो अब जिस हिसाब से यहाँ पर ओआई खास तौर से 18,700 की कॉल पे बढ़ा है उसको देखते हुए मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल 18,700 और 680 के बीच में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर 44,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से नजर आ रहा है, और 43,800 और 43,600 यहाँ पे अब सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। बात कर लेते हैं सौदा खरा खरा में कि आपको मंडे को किन स्टॉक्स पे यहाँ पर फोकस करना है और किन स्टॉक्स पे आपको दूरी बनाकर रखनी है। सबसे पहले अगर अभी देखें तो सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड बना है। श्री सीमेंट हो या इंडिया सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, इन सभी में एक बाइंग एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक को अगर यहाँ पर रणनीति रखते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी रणनीति इंडेक्स स्पेसिफिक है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। रियल्टी काउंटर में भी आज निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, साथ ही पीएसयूज में भी आज बड़ी गिरावट का ट्रेंड बना रहा। पीएसयू इंडेक्स भी आज यहाँ पर 1.5% नीचे के करीब बंद हुआ। मिड कैप में भी आपको ज्यादातर स्टॉक्स में मुनाफाखोरी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जिनमें आपको बाइंग मोमेंटम अभी भी जारी है और आपको बाय कॉल लेके चल रहा है, वो है PEL। इस समय फ्यूचर के डेटा को अगर देखते हैं तो इसमें एक बाइंग मोमेंटम चल रहा है, 126 के लक्ष्य आ सकते हैं, 118 के स्टॉप लॉस से आपको यहां पर बाय करके चलना है। दूसरा स्टॉक की बात कर लें तो शुगर काउंटर से बलरामपुर चीनी को आप बाय के साइड से फोकस कर सकते हैं। 404 रुपए के पास अपसाइड टारगेट होगा 415 रुपए का, लोअर साइड पे स्टॉप लॉस होगा 395 का। अगर तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एबी कैपिटल इस समय अच्छे मोमेंटम के साथ है और फ्यूचर में इस स्टॉक में काफी अच्छा बाइंग एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड टारगेट होगा 185 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 170 का। कुछ स्टॉक्स में अब बात कर लेते हैं जिन स्टॉक से दूरी बनानी, हालांकि वो लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन फिर भी अगर आप इस समय फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो खास तौर से कुछ स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। आईटी काउंटर से यहाँ पर दूरी बनाकर रखें। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें की गिरावट अभी और बढ़ सकती है। आइशर मोटर भी यहाँ पर अभी सेलिंग की तरफ जा सकता है। इसके लेवल्स की बात करें तो 3,500 तक ये लेवल अभी आते हुए नजर आएंगे। एशियन पेंट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और अभी काउंटर में एक सेलिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। 3150 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 3200 का। साथ ही यहाँ पर अदानी पावर में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ये काउंटर एक बार 265 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। बात कर लेते हैं विप्रो की। विप्रो में भी एक सेलिंग ट्रेंड है, 385 तक के लेवल आ सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 400 रुपए का। तो आपको सेल साइड की रणनीति मंडे को यहाँ पर ज्यादा नजर आएगी, बाय साइड की एक्युमुलेशन यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, तो सेफ ट्रेड करें मंडे की ओपनिंग का इंतजार।